ऑलराइट हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा ये वन प्लस बड्स वाइट कलर के जो है मेरे पास, तो ये 4,990 रुपीज़ के अवेलेबल होते हैं इंडिया मार्केट में, और बाहर शायद 79 डॉलर के हैं। सो ये कैसे हैं बर्ड्स और इनके रिव्यू कैसे हैं वो भी मैं ऑनेस्ट दूंगा। कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, या ये मुझे कहीं से मिला नहीं है, ये मैंने अपने पैसों से खरीदा है, और इसका पूरा ऑनेस्ट रिव्यू दिया जाएगा आपको। सो अनबॉक्सिंग में कुछ नहीं है, अंदर बस पेपर वर्क है, और जस्ट एक आपको ये केबल मिलेगा और ये आपके ईयरबड्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इसे साइड में देखो, जो आपके ओरिजिनल वन प्लस की केबल है, जो आपकी इसमें लगती है सी टाइप वाली, वो भी इसी में लग जाएगी और सेम एज वर्क करेगी, कोई पंगा और इशू नहीं आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको इसकी दो तीन चीजें दिखाऊंगा जो बहुत ही अच्छी हैं। अगर आप वन प्लस फैन है तो आपके लिए है ये स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स, और उसके बाद है इसके नेगेटिव्स जो मैंने नोटिस करे हैं इसे चला चला के। सो सबसे पहले है पेयरिंग। सो आप जैसे क्ले ऑन करेंगे या ओपन करेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा, अराउंड 7 सेकेंड लगेंगे इसे कनेक्ट होने में, मैंने नोटिस करा था। ठीक है, और उसके बाद ये 10 मिनट में आपका बहुत चार्ज हो जाता है, तो मतलब अराउंड 10 घंटे का प्लेबैक दे देगा अगर ये 10 मिनट चार्ज होता है तो। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अब आपसे बात करता हूँ बहुत मेन, वो है सबसे पहली पबजी की। पबजी इसमें लैग करती है, इसकी ऑडियो लेटेंसी बहुत ज़्यादा है, अराउंड अगर आपका पिंग आता है 100 का और इसकी लेटेंसी है 100, तो उसे मिला के 200 मिली सेकेंड हो गए, और ये तो मतलब एक बहुत हैवी लैग हो जाता है, कभी कभी 300 चला जाएगा। सो इतने में तो आपका प्लेयर मर भी जाएगा, और M4 की 3-4 गोली और हेडशॉट और आपका गेम खत्म, ओम की एक पड़ी तो खत्म ही हो जाएगा। सो 5,000 रुपये आपके गए पानी में इस चीज को लेके। बस ये फॉल नहीं करते हैं ऐसे, तो ये थोड़े से अच्छे भी लगते हैं मुझे। उसके बाद बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है कि फोन कंपैटिबिलिटी। अब मेरे पास है फोन कंपैटिबिलिटी, ये है OnePlus 6। अगर आप पे OnePlus 7 है, 6T है, तो यार और उससे नीचे के वर्जन है, चाहे 5 है, 5T, 3T, कोई सा भी हो, तो ये एयरपड्स ना लेना, क्योंकि इसके जो डॉल्बी एट्स में होते हैं वो 70 से ऊपर के वर्जन्स में अवेलेबल है। तो बाकी फोन क्या है, कचरा। वन प्लस ने ये फिर निकाले ही क्यों बड्स, जब इनमें इन फोन में डॉल्बी एट्स नहीं थे, तो यार फायदा ही नहीं था इनको निकाल के। और मैंने जब इनका एक्सपीरियंस करा, मेरे भाई पे 70 है, तो मैंने उसमें एक्सपीरियंस करा इन बड्स का, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज था। और इसके अंदर बिल्कुल फ्लैट रफ और घटिया, मतलब जिसे कह सकता हूँ मैं, इन सेंस वो आपको फील आएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा रिव्यू गलत है या मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप एक बार इसे परचेज करना, आप भी 5,000 रुपये लगाओ और देखो आपके 5,000 रुपये कैसे डूब जाते हैं। फिर उसका मैं एक और भी पॉइंट सजेस्ट करूंगा, जब आप 5,000 रुपये लगा दोगे, और एट द एंड में मैं आपको पूरा बता के भेजूंगा कि आपको लेना क्या चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये। ठीक है, तो पूरा देखना वीडियो को। और अगर आप पॉडकास्टिंग करते हैं या वॉइस ओवर करते हैं, जैसे आप कई ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, जैसे मैं ओकेजनली ट्यूटोरियल्स के लिए मैंने इसे प्रेफर करा था कि मैं थोड़े से मतलब व्लॉगिंग टाइप में भी यूज कर सकूं, तो इसकी वॉइस बहुत ही बेकार है। एक 50 रुपये का जो रोड पे माइक मिलता है उसके साउंड है इसकी। इनकी साउंड पे कभी भरोसा मत करना कि इन्होंने बोला है कि तीन उसमें है ये, कि 3 पॉइंट्स में आएंगे, कि ये तीन इसमें माइक है, यहाँ 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 और एक यहाँ पे है, नीचे यहाँ पे है, ये रहा। तो ये 3 माइक बताए गए हैं कि ये नॉइस कैंसलेशन करता है, और इनके बड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो यार मैंने पूरे नॉइस कैंसलेशन भी चेक करी थी, रोड पे ले जाके चेक करी थी, और लोगों को फोन कर करके चेक करी थी। सो मेरे को बहुत अच्छा रिव्यू आया, और सबने कहा अच्छी आवाज है, लेकिन जब उसे मैंने अपने कंप्यूटर में सुना साउंड करके, तो मुझे पता चला वो बहुत ही भद्दी थी और नॉट अप टू दी मार्क थी। आप इससे वॉइस ओवर या पॉडकास्टिंग नहीं कर सकते, वॉइस ओवर पॉडकास्टिंग के लिए ये बिल्कुल ना है। अगर आप कॉल रखते हो, कॉल्स करते हो लोगों को, तो हाँ ये परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। ठीक है, उसके बाद मैं बढ़ता हूँ वीडियो एडिटिंग। अगर आप इन एयरपोर्ट्स को लेके सोचते हो कि आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो प्रीमियर के अंदर या फाइनल कट प्रो के अंदर, तो यार आपका एडिटिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा होने वाला है, और आप भुगतने वाले हो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा से, क्योंकि ये लैग करते हैं, और कम से कम जब आप प्ले करेंगे वीडियो को, तो अराउंड ये प्ले होगा ही नहीं,
और 3 या 4 सेकंड के लैग पे प्ले होगा इसमें ऑडियो, जो उससे लेटेंसी से आता है, लेटेंसी की वजह से है ही इसमें ये प्रॉब्लम। ठीक है, नॉइज कैंसिलेशन इसमें दे रखी है, इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन। उसे इसमें कैसे दिखाया गया है, उसमें इसे जो पैक करा गया है बस यही है और कुछ नहीं है इन्वायरमेंट से नॉइज कैंसिलेशन, इसलिए आपको 5,000 के बड्स मिल रहे हैं और एयरपोर्ट्स जो है आपके वो 10,000 या 12,000 के हैं। इसमें नॉइज कैंसिलेशन के नाम पर टट्टी डाल रखी है अंदर, जो आप चेक कर सकते हैं इसे खोल के। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बढ़ता हूँ आगे, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे क्वालिटी की होती है। सो आपके फोन में जो रिकॉर्डिंग होती है, जिस माइक से आप बोलते हैं, जैसे यहाँ पे जो माइक है मेरे फोन के अंदर, वो भी 16 किलोहर्ट्ज़ का होता है या 32 का होता है या 24 का होता है, इसके अंदर लगा रखा है घटिया क्वालिटी का 8 किलोहर्ट्ज़ का। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप नेट पे जाके चेक कर सकते हैं इसके रिव्यूज़, और आपको पता चल जाएगा कि ये 8 किलोहर्ट्ज़ के हैं और ये वन प्लस की कंपनी ने मेंशन नहीं कर रखा है, और ये इतने बेकार साउंड करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि 8 किलोहर्ट्ज़ कितना गंदा होता है जब आप इसको अगर आप नेट पे चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे ऑडियो के साथ। ठीक है, फिर उसके आगे मैं बढ़ता हूँ कि इसमें वॉइस रिकॉर्डर, जब आप इस ऐप में जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिकॉर्डर ऐप है, जैसे ही आप इसमें जाएंगे आपको कोई ऑप्शन नहीं आएगा कि आप इनके थ्रू ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो आप कर ही नहीं पाएंगे, इसमें कहीं ऑप्शन ही नहीं दे रखा कि आप इसके थ्रू ब्लूटूथ के थ्रू ऑडियो ले सकते हैं। तो रिकॉर्डर जब भी आप चलाएंगे तो आपका यही माइक वर्क करेगा, और जब आप कैमरा भी चलाएंगे तो इसमें यही माइक वर्क करेगा, ना कि ये एयरपोर्ड्स वर्क करेंगे। और अगर आप बाय थ्रू एप्स करते हो, चाहे प्ले स्टोर से एप्स डाल लेते हो इसे प्ले करने के लिए, तो भी इतनी घटिया आवाज आएगी, और आपको भरोसा ना हो तो यार आप देख सकते हो। एंड में मैं इसके क्लिप डाल दूंगा, ऑडियो क्लिप डालूंगा, जिसे आप पूरा सुनना और इसका वॉइस बताना कि कैसा है और कैसा लगा है, बिल्कुल एट दी एंड में। मैं आपका अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ बेस और साउंड, जो मेन कंपनीज पे बेच रही है कि भाई बेस कैसा है, बेस कैसा है। बेस भाई टट्टी है इसका, गंदा गटर के माफिक है यार। अगर आपको बेस चाहिए ना तो स्कल कैंडी ले लेना, वायरलेस क्रशर्स, जिसमें ये बेस स्लाइडर हो, आपको पता चल जाएगा कि हेडफोन्स में बेस किसे कहते हैं, और ये बेस के नाम पे भद्दा है यार, डब्बा। वन प्लस की कंपनी ने नेवर सेटल का डायलॉग ले रखा है, और इस बार मैं नेवर चॉइस का लूंगा उसके साथ, कि भाई इसे कभी नहीं चुनना चाहिए। ठीक है, और अगर आप इसके साउंड के मामले में आते हैं तो यार ये बन रहे हैं प्रो लाइट मैक्स बॉस के हेडफोन्स। बॉस की आवाज इतनी लो होती है जितने इसके हैं, क्योंकि मैंने हेडफोन्स भाई अराउंड 30 से 40 हज़ार तक के सारे हेडफोन्स यूज़ कर रखे हैं, मैं वीडियो एडिटिंग में यूज़ करता हूँ। इनका मेरे को बहुत अच्छे से रिव्यू करने के लिए आया था कि यार इसका रिव्यू डालूं, और मैं बहुत हाइप्ड था। वन प्लस 6 मैंने यूज़ कर रखा था, लेकिन अब मैं इसे यूज़ करने जा रहा था और बहुत ही बेकार है, और नॉइस कैंसिलेशन तो यार है ही नहीं इसमें, और IPX है लेकिन मैंने टेस्ट नहीं करा, बस स्प्लैश प्रूफ बोल रहे हैं, आप इसे पहन के नहा नहीं सकते हैं, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, अब ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, भाई बहुत ही बेकार है। अगर आप इतने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रशियन आ जाती है, ठीक है, लेकिन ये कोई फ़ायदा नहीं है इसे लेके। ठीक है, और जो एट दी एंड के वर्डिक्ट मैं बताऊंगा, अगर आपको ईयरबड्स लेने ही हैं तो आप एप्पल के ले सकते हैं, एप्पल एयरपोड्स आपको अगर आप परचेज करने जाएंगे तो आप 6,000 के मिल रहे हैं, तो आप 6,000 के ले सकते हैं और वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। और ये हैं बिल्कुल आपके नए वन प्लस बड्स वाइट एडिशन और 30 वाइट्स एडिशन, और इसे साइड में ले जाके अब कचरे में फेंक दूंगा मैं। ठीक है, यही था यार, और इसकी अब क्लिप आप सुन लो ऑडियो की कैसी है। हाँ, भाई लोग आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसके बारे में बोला था कि मैं इसके बारे में प्राइस का भी आपको कुछ बताऊंगा और कि प्रोडक्ट रिलेटेड भी बताऊंगा, जो स्टार्टिंग में मैंने मेंशन कर रखा था, तो वो यही चीज़ थी कि आप ये बड्स जब ले लेंगे तो आप ना फ्लिपकार्ट ना अमेजोन ना वन प्लस डॉट इन पे या कॉम पे आप इन एयर बड्स को आप रिप्लेस या वो क्या कहते हैं रिटर्न नहीं कर सकते। रिप्लेस कर सकते हो लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते हो, आपको रिफंड नहीं मिलेगा ना कुछ मिलेगा। यही आवाज़ है इस वन प्लस बड्स की, और आप सुन सकते हो कितनी घटिया क्वालिटी है, मतलब एक 50 रुपए के माइक पे है ये आवाज़। और मैंने सारी सेटिंग करके देख ली है, चाहे इसका
माइक्रोफोन इनबिल्ट करके, क्वालिटी हाई करके, मैंने बहुत सारे, और ये मैकबुक पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो माना जाता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे रिकॉर्ड करने के लिए ऑडियोज को। सो थैंक यू गाइस, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई लेना चाहता है वन प्लस बड्स तो उसे रोक दीजिए, उसके भी 5,000 रुपये बच जाएंगे। सो थैंक यू गाइस।